नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्षेत्र के श्री गौरी शंकर धाम के सामने से बरई पार सड़क को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण गुरुवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला पंचायत से अधिकाधिक विकास कार्य हो, ऐसी हमारी इच्छा है। जो भी कार्य हो ठोस हो और टिकाऊ, ताकि लंबे समय तक लोगों को सुविधा दी जा सके। डेंगू के फैलते प्रकोप को देखते हुए जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। एम जिस बाजार में सामुदायिक शौचालय नहीं है, वहाँ निर्माण कराया जाएगा ताकि व्यापारियों को समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सुजानगंज विद्वानों की धरती है, यहाँ स्वामी राम भद्राचार्य जैसे विद्वान पैदा हुए हैं, इसलिए मैं सुजानगंज का बहुत सम्मान करता हूँ और यहाँ से विशेष लगाव भी रहता है। पूर्व प्रमुख संतोष तिवारी ने कहा कि इस सड़कों पर पानी भरा रहता था, जिसके कारण गौरी शंकर आने में श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। सड़क मार्ग का नाम स्वर्गीय शंभुनाथ तिवारी रखा गया है, जो 1962 भारत चीन युद्ध में 21 वर्ष की आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कार्यक्रम स्थल पर विजय कुमार तिवारी, धीरज सिंह, विद्याशंकर तिवारी, मंगल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे तथा कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य आलोक सिंह ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ पंकज मणि तिवारी की एक खास रिपोर्ट। शंभुनाथ तिवारी जी के नाम से मैं उनके पास रखा गया और जिला पंचायत का ये प्रयास भी है। जो लोग विजय जी और आलोक तो गए, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा विलम्ब से आया, मैं चला गया था। हमारे एक जिले के बहुत सीनियर एडवोकेट है मिन्नालाल तिवारी जी, उनके भाई का निधन था, शुद्ध था। आज हम दुआर करे करे लेकिन लगा शुद्ध बात का, थोड़ा देर बैठ गए वहाँ और मंच पे उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय संतोष तिवारी जी, धर्मेंद्र जी, मन्नू जी और विजय जी और आलोक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सामने हमारे सभी आदरणीय जन और नौजवान साथियों, आदरणीय विद्या शंकर जी, आदरणीय दयाशंकर त्रिपाठी जी हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय अजय त्रिपाठी जी हैं, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हैं, ओमकारनाथ तिवारी जी हैं, राधेश्याम तिवारी जी हैं, महाजन तिवारी जी हैं, डॉक्टर शिवम मिश्र जी हैं एवं यहाँ बहुत से क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और सभी क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य को हमको अवसर दिया इन लोगों ने यहाँ लोकार्पण करने का। और प्रयास है कि जिला पंचायत अच्छा काम करे और सबसे बड़ी आवश्यकता आज की डेट में है गुणवत्ता के साथ काम हो, और ये पहली प्राथमिकता रही है जिला पंचायत अध्यक्ष जी की कि जो भी काम हो भले क्वांटिटी कम हो लेकिन वो काम अच्छा हो, लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता था, पहले जिला पंचायत की कोई सड़क बनती थी, लोग कहते थे जिला पंचायत की सड़क है, बड़े हे दृष्टि से कहते थे। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि PWD की सड़कों से अच्छी सड़कें जिला पंचायत की रहेंगी, चाहे कभी भी इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। और पहली बार जिला पंचायत इतना एकजुटता के साथ सभी सदस्यों के क्षेत्र में उनके राय मशवरे करके, जो लोग भी वार्तालाप करके जिला पंचायत से सामूहिक निर्णय के साथ काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ जो पूर्व में जिला पंचायत सिर्फ बन गई थी ठेकेदारी की संस्था, आज उससे अलग जो विभिन्न आयामों में जो काम करने की आवश्यकता है, जागरूकता भी करने की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब दिशा में जिला पंचायत काम कर रही है।
उसमें हम लोग अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं, जिला पंचायत भी अच्छे, जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि इनकी जिला पंचायत भी बहुत तेजी से फॉगिंग के पूरे, चूंकि ग्राम जो लोकल बाजारें हैं, बाजारों से जिला पंचायत को टैक्स भी जाता है, तो हम लोगों के पास तो शिकायतें भी आती हैं कि जिला पंचायत टैक्स ले रहा है और हमारे यहाँ काम क्या कर रहा है। तो हमने कहा है जितनी बाजारें हैं सब पे नाली बन जाए अच्छी, ताकि उनको पानी की दिक्कत ना रहे, और साथ साथ अगर सार्वजनिक शौचालय वहाँ डिमांड है तो जरूर बनवाया जाए, और उसके साथ जो भी वहाँ पर आवश्यकताएं हैं उसको पूरी की जाए, ताकि बाजार में व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। उसी क्रम में इस बार तय हुआ कि जब डेंगू का प्रकोप आया तो तय किया गया कि पूरे जिले में प्रत्येक बाजारों में, लगभग 500 से अधिक बाजारें हैं पूरे जनपद में, लेकिन मुझे लगता है अब तक 300 से अधिक बाजारों में फॉगिंग हो चुकी है तमाम, कम से कम नहीं कुछ तो 1000 लगभग ग्राम सभाओं में फॉगिंग का काम लगातार जारी है निरंतर। यह है कि मिलके एक अच्छा, जो भी जितना छोटे लेवल पे जितना हम लोग कर सकते हैं अपने जनपद के लिए उतना करने का प्रयास किया जाए, और उस दिशा में जनमानस का भी बहुत सहयोग मिलता है। आज के सोशल मीडिया का बहुत योगदान है, लोग उसमें लिख देते हैं अभी हमारे गांव नहीं हुआ है, हमारी बाजार में नहीं हुआ, तो जो टीम कर रही है, जो हमारी भी टीम कर रही है, और साथ साथ जिला पंचायत के दोनों लोग उन जगहों पर जाकर काम करने का, फॉगिंग करने का काम कर रहे हैं। सड़कें अच्छी बने, बाकी कुदईपुरा में तो हम लोग कहना नहीं पड़ता, हम लोग पैसे पूछ के काम करते रहते हैं, और सुजानगंज से हम लोगों को। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।